Jaru! 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 आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनकी मेहनत और कोशिशों की वजह से आज जो फल नज़र आया है उमरा कौसा में MIM के सैफ पठान साहब जो कि युवा अध्यक्ष हैं यहाँ की उमरा यूनिट के, उनकी मेहनत, रफीक कामदार साहब की मेहनत, उसी का फल आज उमरा कौसा में एक शानदार आप पार्टी की रैली और जन समर्थन के रूप में देखने को मिला है। तो आइए बात करते हैं सैफ पठान सर से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ख्याल है उनके इस बारे में। सर, मुबारकबाद पेश करते हैं आपको जो आज इतना बड़ा जन समर्थन, इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा सैलाब आपने जमा किया लोगों का, तो क्या कहेंगे इस बारे में? तब्दीली है उमरा में, तब्दीली होगी? देखिए, कि मैं पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और देखिए कि ये तो होना ही था, आज उमरा जाग उठा है, ये इतिहाद का सबूत था, जो रैली हुई इतिहाद का सबूत था। इसमें कोई भी, चाहे उसमें जो जवान आए हुए थे, यूथ आया हुआ था, या सीनियर्स आए हुए थे, या जो भी लोग आए हुए थे, आप यकीन मानो किसी को भी एक रुपया नहीं दिया गया। और आपने देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में, मैं समझता हूँ कि 15,000 युवाओं ने, यानी सब ने मिलकर 15,000 की तादाद में लोगों ने आज रैली डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब का समर्थन किया।
सैफ भाई, अभी अभी हमें खबर मिली है सूत्रों के हवाले से कि आपको ATS से भी कॉल आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कहाँ तक सच है? देखिए, ये रैली दर्शाती है कि अबू अल्तमश फैजी साहब की जीत पक्की है और हम लोग उनके समर्थक हैं, हम उनके पीछे मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। तो बस अभी ये तो मुझे ऐसा कॉल आया है और ऐसी कोई अभी तक बात हुई नहीं उन लोगों से। उन लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि मिलना चाहते, लेकिन मुझे ऐसा कहीं से पता चला है कि एक लिस्ट तैयार की गई है अपनी हार के डर से। ये हमेशा से ऐसे यानी छिछोरी हरकतें होती रहती हैं हमारे शहर में। आप देख रहे होंगे कि उनके घर पर जा कर के कभी मीटर के वायर काट रहा है ये MLA, कभी हम लोगों को फ़ोन करवा रहा है। इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी के बाप से नहीं डरते। हम इंशाल्लाह ताला 21 तारीख को जो आज शहर में इत्याद है उसकी ताकत दिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला झाड़ू पे हम लोग इतने वोट गिराएंगे कि यहाँ से मुमरा से उनको जीता के लाएंगे। सर, जो जितेंद्र अहवाड़ के बारे में लोगों का ये मानना है कि जैसे मैं अभी हम बाहर थे तो अभी लोगों में काफ़ी आक्रोश पाया जा रहा था कि ये जो सभा हो रही थी उसकी परमिशन भी नहीं दी गई, उसके साथ में लाइट भी कट कर दी गई। तो जब ये बिजली गुल हुई तो लोगों का कहना था कि ये काम भी आमदार साहब का है, क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, अभी वो लाइट गुल तो इनका विकास है, आप देख रहे हो ना, इलेक्शन चालू बहुत विकास की पिंपड़ी पिकते हैं। अभी विकास दिख रहा कि एक सभा चालू और लाइट चली जाती है और ये हमेशा होते रहता है। तो ऐसा इल्ज़ाम ठीक है कर सकते हैं वो, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में कितना भी नीचे गिरने में सोचते नहीं है, वो कर सकते। लेकिन ये मैं यही कहूँगा कि विकास जो बताते हैं ये विकास दिख रहा है। आप देख रहे हो सभा चालू है, लाइट चली जाती है, हमारे शहर में पानी नहीं है। आज हम लोग रोड पे जब आ रहे थे तो बच्चे नाले गड्ढे दिखा कर विकास विकास चिल्ला रहे थे। इस तरीके का मामला है। आपने जो आप आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब को जो समर्थन दिया वो मुमरा कलवा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और इसके साथ ही इम्तियाज़ जलील साहब ने भी ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो कोई मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर होगा और मजबूत होगा तो लोगों का ये भी कहना है कि MIM ने एक हीरे को चुना है। और अब लोग पूरी तरह से, जहाँ तक हम देख रहे हैं, जो रैली थी, रैली में नज़र आए ऐसे मंजर के लोग बिल्डिंग की छतों पर से भी झाड़ू लहरा रहे थे। और इस बात का ये इशारा है कि लोग अल्तमश फैजी साहब के सपोर्ट में पूरी तरह से हैं। तो इस बारे में आप एक युवा नेता हैं, आप एक यंगस्टर हैं, यंगस्टर को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए कि जैसा आपने बताया कि इम्तियाज़ जलील साहब ने पहले कहा था, जब राजनीति एक गंदा रूप मोल लेती है ना तो ऐसा कुछ रिजल्ट बाहर आता है। यहाँ के जो सिटिंग MLA थे, अब वो कभी इंशाल्लाह ताला MLA नहीं बन पाएंगे, इसके लिए मैं थे ही बोल रहा हूँ, जो सिटिंग MLA थे उन्होंने बहुत घिनौनी पॉलिटिक्स की। यानी तुम बोलते हो अपने विकास का ढिंडोरा पिटते हो तो तुम कंपटीशन करते हैं ना, अपने विकास पे भरोसा रखते हैं, खरीद फरोश ये क्या है चालू है। उन्होंने एक जो घिनौनी हरकत की, हम उनका शुक्रिया अदा करते कि कीमत जो भी उन्होंने चुकाई हमको पता नहीं, लेकिन उन्होंने 70 खरीदा और हमको हीरा मिला। हम लोगों को डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब के ताल्लुक से मैं आपको बताऊँ, जब हम लोगों को ये बोला गया क्योंकि जितने भी वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार फॉर्म भरो, तो यहाँ हमारी ये टीम बैठी पूरी मुमरा कलवा की, रौफ लाला साहब अध्यक्ष वो बैठे, हम लोग, मैं युवा अध्यक्ष हूँ, हमारी पूरी टीम, उनकी पूरी टीम बैठी और सबके मुंह पे एक ही नाम था कि अब हम आज़ाद के साथ नहीं जाएंगे। एक कैपेबल कैंडिडेट है जो इंशाल्लाह ताला जीत कर आ सकता है, अगर हम लोग मेहनत करते, जैसे हमारी सीट विनिंग दिख रही थी तो हम उसको जिता सकते। हम लोगों ने ऊपर नाम दिया, उन लोगों ने इंक्वायरी की और उन लोगों ने भी हमसे यही कहा कि हाँ बेशक ये सीट निकल रही है। डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब का जो किरदार है लोगों में इतना पसंद किया जा रहा है, जो उनके क्वालिफिकेशंस है, जो पहले उनका जॉब प्रोफाइल रह चुका है, इतना पसंद किया जा रहा है कि ये सीट इंशाल्लाह ताला विन है। और जो आपने कहा कि मैं युवाओं को क्या मैसेज देना चाहूँगा, मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा, हम जिंदा कौम के जिंदा लोग हैं। ये लड़ाई अब पॉलिटिक्स से हट करके कहीं ना कहीं हमारे शहर की हो चुकी है। हमारे शहर में जितने भी युवा हैं उनके आने वाले भविष्य के लिए मैं कहना चाहूँगा कि 21 तारीख को आप लोग खुद उतरे वोट करने, अपने आस पास के, आस पड़ोस के, पड़ोस के उतारे, अपने मोहल्ले के लोगों को उतारे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करें। क्योंकि देखिए, एक NRC का मामला चल रहा है जिस पे डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी साहब ने भी यानी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस वगैरह की है। जो वो मामला चल रहा है वो ऐसा है ना कि आने वाले 2020 में यानी 2020 में उसकी जनगणना की यानी तो वो होने वाली है गिनती। तो हो सकता है कि ये जो वोट हम नहीं देते ना थोड़े सुस्ती के लिए, वो उसमें कहीं काउंट ना हो जाए। और हमारे को जो आज आसाम में हुआ ट्रांजिस्ट कैंप में, जिस तरीके से 6 लाख लोगों को डाला गया, अल्लाह ना करे हमारे लोग को कुछ ऐसा करा जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने लोगों को उतारे, उनको अवेयर करें कि इस बार वोट डालना कितना ज़रूरी है और एक अच्छे कैंडिडेट को जिताना कितना ज़रूरी है। क्योंकि यंगस्टर्स आपने देखा होगा रैली में, ज़्यादा तादाद में यंगस्टर्स हैं ना, वो कितने खुश है आपने देखा, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे,
यानी एक खुशी अलग लेवल पे थी, ऐसा लग रहा था कि आज ही जीत का जश्न मना लिया गया। तो जीत का जश्न भी हमको मनाना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने एरियो में डटे रहे, अपने मोहल्ले में डटे रहे और पूरे वोट कराने की कोशिश करें। कलवा की आवाम ने फैसला कर लिया है कि अपना MLA मुमरा को चुनना होगा, तो फैजी साहब के सपोर्ट में काफ़ी लोगों में उत्साह देखा गया। आप लोगों की कोशिश है, जो आप लोगों ने समर्थन दिया आपको, ये एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है मुमरा में कि आम आदमी पार्टी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट देना, गोया लोगों के दिल की बात निकल आई है बाहर। क्या कहेंगे मुमरा की आवाम से इस बारे में? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं मुमरा की आवाम से यही कहूँगा, हमने जितेंद्र अवार्ड को 10 साल दिए, 10 दिन 10 हफ्ते 10 महीने नहीं दिए, 10 साल काफ़ी टाइम होता है। जो कि एक अगर किसी औरत अगर किसी बच्चे को पैदा करती है ना, तो वो भी 9 महीना लेती है, 9 महीने के बाद उसका रिजल्ट दे देती है 9वें महीने में। इसने 10 साल में हमको रिजल्ट नहीं दिया आज तक, तो इससे आगे क्या उम्मीद हम रखेंगे? इसने कब्रिस्तान चोरी कर लिया, इसने हॉस्पिटल चोरी कर लिया, इसने सलाटर हाउस चोरी कर लिया, इसने हर चीज़ तो खाएगी या बचाया क्या? रोड के देखो, फंड पे फंड लाया, रोड का काम पूरा नहीं हुआ। आज रोड को तोड़ के रोड बाइंडिंग करके लोग को 4 साल हो गया। 4 साल मायने रखता है, 4 दिन 4 हफ्ते नहीं है। 4 साल में रोड वाइंडिंग करने के बाद में दुकानें तोड़ने के बाद रोड वाइंडिंग नहीं हुआ, उस पर डामरीकरण नहीं हुआ, खाली बस उसका ये निकाला गया है अपना ये पास किया गया है क्या बोलते म्युनिसिपैलिटी से सिर्फ पैसा पास करते गए और काम नहीं किए। अब ये इसको पता चला है कि मेरी ज़मीन हिल गई, मैं हारने भी आया हूँ, अब ये इलेक्शन के टाइम पे रोड का काम चालू हुआ है। तो ये कोई तरीका होता है क्या काम करने का? 4 साल में काम नहीं करने का मिला टाइम, 10 साल में काम करने का टाइम नहीं मिला, अब इलेक्शन करीब आया तो आप काम दिखा रहे हैं। और कब तक के आदमी डरेगा दबेगा इससे, कब तक के? एक डरने और दबने की एक लिमिट होती है, हर टाइम आदमी डरेगा और दबेगा नहीं इससे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो 90% मुस्लिम लोग है, जिसने माँ के पेट से पैदा हो गया आया, सीख के आया, डर नाम की चीज़ ख़त्म कर दिया, डर सिर्फ अल्लाह का रखा अपने दिल में। उसकी माँ जब पैदा करती है तभी उसके दिल में डर सिर्फ अल्लाह का डर और खौफ पैदा हुआ है, वो किसी बंदे से नहीं डरेगा इंशाअल्लाह ताला। और यह 21 तारीख को इसका रिजल्ट दिखाई देगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, हम इसी रैली के ताल्लुक से और आप पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यहाँ पर गठबंधन हुआ है उनके इत्तेहाद के बारे में बात करेंगे नासिर खान साहब से, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक फाल रुकन है। काफ़ी अच्छी सरगर्मियाँ अंजाम दी इन्होंने मुमरा में, तो आइए बात करते हैं। नासिर सर, जैसे कि मैं देखा हमने आज के जिस तरह से एक जन समर्थन, लोगों का जन सैलाब, और इस वक्त इस सभा में लोगों ने कहा कि पहली बार, या एक ऐतिहासिक रैली कहा जाए, पहली बार नहीं कहा जाए तो ऐतिहासिक रैली से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में हर जबान पर सिर्फ एक ही नाम है, डॉक्टर फैजी, डॉक्टर फैजी, डॉक्टर फैजी। क्या कहेंगे सर, तब्दीली का इशारा है मुमरा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो मैं आपका ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। आपने सवाल किया कि ये जो जन सैलाब आपने देखा कि ये बदलाव का इशारा है क्या? हमारे जो उम्मीदवार है डॉक्टर अल्तमश फैजी साहब, मैं आपको बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ ज़रूर रखते हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जो शहर के हालात बने हैं उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्तमश फैजी साहब मुमरा की हर माँ बहन, हर छोटे बड़े, हर जवान के उम्मीदवार बन चुके हैं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं शहर के उम्मीदवार हो चुके हैं इस बार। आपने अभी तकरीर की, आपने उसमें ये कहा कि कहीं ना कहीं अभी लड़ाई कौम की है और कौम को अब मुत्तहिद होना है, आपने अच्छी अपीलें की, क्या मुमरा कलवा से हमारे चैनल के माध्यम से आपकी क्या अपील है?
हमरा कलवा के नाम से हमरा पसंद। देखिए मैंने मैंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की, मैंने जिस अंदाज में बात रखी अपनी, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप देखो कलवा मुमरा को तो वोटिंग रेशो जो इस वक्त हमारा है वो 50-55% है, ये तो आप मानते हो, आप भी इसी शहर में रहते हो। अब तक के जो इलेक्शंस हुए, अब तक के जो इलेक्शंस हुए उसमें कई उम्मीदवार हुआ करते थे, हर पार्टी से हुआ करते थे, तो ठीक है रिजल्ट नहीं मिलता था हमको, लेकिन आज जो ज़मीन तैयार हुई है आप देखो कि वो तीन हैं और हम सिर्फ एक हैं। क्या आप बताओ कि हम इस सीट पर दावेदारी नहीं कर सकते, क्या हम अपना कायद चुन नहीं सकते? ये जो कहा जा रहा है कि भाई ऑटो को तोड़ने की कोशिश की जा रही है या जो है कम्युनल पॉलिटिक्स की जा रही है, कल तक अगर हम इनको वोट दे रहे थे तो सेकुलर थे, और आज हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा 55% यहाँ पे शेयर है तो हमारा अपना उम्मीदवार हमको चाहिए, हमारा अपना आमदार हमको एमएलए चाहिए, तो हम कम्युनल हो गए। आज हम हमारा हक मांग रहे हैं तो हम कम्युनल हो गए। तो कैसा है कि ये सीट इस बार इंशाल्लाह इस जो समीकरण मैंने आपको बताया ये हम लोगों के सामने रख रहे हैं, और पिछले 9 दिनों में अमजद भाई मैं आपको बताऊं कि पूरा शहर मुत्तहिद हो गया, पूरा शहर मुत्तहिद हो गया, लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि इस बार हम हमारा एमएलए यहाँ से भेज सकते हैं, ये पहली बार होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक साहब हमारे साथ है, मतीन नौरंगी साहब जो इस मौके पर कुछ अपनी बात रखेंगे। आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी अभी खबर मिली है कि पीस पार्टी ने भी फैजी साहब को और समर्थन दे दिया है अपना, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फैजी साहब की आप पार्टी और पीस पार्टी, क्या तस्वीर अब उभर कर आती है सामने? ये समर्थन ये उभर कर आती है कि लोग अपने तौर से अपनी तकलीफ़ों को आज तक के जाहिर नहीं करते थे, अब खुलकर सामने आए हैं। जो कभी डर कर रहते थे उन्होंने डर और खौफ निकाल दिया है कि भाई अब हमको कुछ बदलाव चाहिए। आज 10 साल से हम बर्दाश्त करते आए हैं, इंशाल्लाह आइंदा ये मौका हम किसी को नहीं देंगे। हमने इनको सर पर बिठाया, आज हमने सोचा कि इनको सर से उतार दिया जाए ताकि हमारे शहर की तरक्की हो। जुल्मत को मिटा कर दुनिया से अनवार नुमाया देखेंगे। हम सुबह गरीबा देख चुके हैं, अब शाम गरीबा देखेंगे। जैसे कि आप एक बुज़ुर्ग हैं, आप एक उम्र दराज है, आपने मुमरा कलवा की मुमरा कौसा की सियासत को, मुमरा कलवा की सियासत को आपने देखा है, इस बारे में मुमरा के जो यंगस्टर है आज हमने देखा कि यंगस्टर की ज़बान पर भी यही नाम था, फैजी साहब फैजी साहब फैजी साहब, यंगस्टर के नाम पर ज़बान पर भी यही नाम था। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मर्दों की एक बड़ी तादाद हमने देखी रैली में, लोग छतों पर से बिल्डिंगों की टेरेस पर से झाड़ू लहरा रहे थे, तो ये एक सबूत है कि लोगों ने जो मोहब्बत जो भरोसा जताया फैजी साहब पर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पर, क्योंकि लोगों के दिल में ये एक उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, उस उम्मीद को कहीं ना कहीं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैदान में रहकर पूरी तरह निभाया है। तो क्या कहना चाहेंगे मुमरा के यंगस्टर से जो दिल बर्दाश्त थे MIM के चाहने वाले गुंजन सेठ के फॉर्म को वापस लेने के बाद, क्या कहेंगे? गुंजन सेठ के फॉर्म लेने के बाद जिस विधायक ने ये चाल चली थी और अल्लाह ने कुदरती तौर पर नौजवानों के दिलों में बसा दिया कि ये विधायक हम लोगों को अलहदा करना चाहता है, हमारा ग़ुलाम बनाना चाहता है, नौजवानों को इसने हमेशा पैसे के ज़रिए तोला है, तो नौजवान ने कहा साफ कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। उनके कई एक चमचे पैसे लेकर आ रहे थे, उन्होंने साफ मना किया कि हमको पैसे से कोई मतलब नहीं, हमको अब ऐसा शख्स चाहिए जो हमारे दरमियान रहे, हमारा रहे, हमारे शहर का रहे। हम शहर हमेशा से हमने कहा है कि अब हमारा शहर का विधायक हो, हमको बाहर के विधायक झेल कर अब बहुत बर्दाश्त हो गया, और ये तमाम बच्चे नौजवान ये चाहते थे कि हमारे शहर की तरक्की के लिए हमको हमारा मुकामी आदमी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमको मुकामी आदमी मिल गया जो माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, और जो डेवलपमेंट क्या होता है वो समझाना चाहते हैं। डेवलपमेंट होता है कि स्कूल हॉस्पिटल और लाइट्स वगैरह और सड़कों का निर्माण अच्छे से हो, लेकिन आज तक के सिर्फ और सिर्फ दादागिरी हुई है। म्युनिसिपल कमीशनर को दबंग कहकर लाया गया हमारे सर पर, हमारी कब्रिस्तान की जो असल जगह जो थी 95 के GR में हमको जगह दी गई थी म्युनिसिपलिटी की तरफ से, उस जगह को तब्दील करके सीधा
5 किलोमीटर दूर पर लेकर गए, जहां पर पहुंचना हमारे लिए महाल था। मुमरा के लोगों के लिए नज़दीक शमशाद नगर के करीब जो जगह थी वो हटाई गई है बेवकूफ़ बनाकर। तो हम कब तक, अब लोगों के समझ में आया कि अब तक के हम बेवकूफ़ बनते थे। जो शहर, जिस शहर को चरस और MD के नाम पर सारी दुनिया में हमारे इस विधायक ने शो कर दिया, इशर जहां का जनाजे की कीमत कब तक, इशर जहां को फैसला तक के नहीं मिला। क्या फ़ायदा ऐसे विधायक को बिठाकर जिसने हमारे जज्बातों से खेला है, हमको हर महल पे उसने बेवकूफ़ बनाया है। तो ऐसे विधायक की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसका पैसे की ज़रूरत है। नौजवान ये चाहता है कि हमको भी रोज़गार से लगे, कई नौजवान रोज़गार से बेकार हो चुके हैं। अल्लाह पाक हमारे आने वाले नए विधायक को दिलों में जो तजुर्बा रखते हैं कि दरअसल तरक्की क्या होती है, विकास क्या होता है, वो उनको पूरी तरह मालूम है। विकास के नाम पर हमारे पूरे शहर को धोखे में रखा गया, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे शहर की तरक्की हो और अच्छी से अच्छी तरक्की हो। बहुत बहुत शुक्रिया।